ठीक है सर सर आप सर सर थोड़ा सा साथ आ जाए सर साथ में आ जाए थोड़ा सा नजदीक अनुपम जी थोड़ा सा आगे आ जाए थैंक यू सर 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 जितना नजदीक आ जाए कैन यू होल्ड अ पेन एज इफ यू आर साइनिंग थोड़ा सा छाप में हैंडिंग खोल के रख लो जैसे क्लाइमेक्स होता ना वही टिक 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 कर रही होती है I file my nomination कटर साहब थोड़ा सा आगे आ जाए सर देखिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि चंडीगढ़ जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की वर्तमान सांसद श्रीमती किरण खेर को दोबारा से अपना प्रत्याशी बनाया है और आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया है और इस नामांकन के अवसर पर जो एक नागरिकों में जो जनता में उत्साह देखने को मिला है निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि ये सीट दोबारा से लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी और एक कमल का फूल चंडीगढ़ भी भारत को सरकार बनाने में नरेंद्र मोदी जी को भेंट किया जाएगा। आखिर चंडीगढ़ अपने आप में दो प्रदेशों की राजधानी है, अपने आप में यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ एक उत्तर भारत का एक ऐसा प्रमुख शहर है कि यहाँ की सीट के ऊपर पूरे देश की नज़रें हैं और जैसे यहाँ की एलीट क्लास है जिस प्रकार का लोगों का सोचने का तरीका रहता है एक राष्ट्रीय विचार को लेकर के यहाँ का वोटर बड़ा जागरूक है और निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण सीट से कहा जा रहा है कि वो भी एक बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है।
देखिए पवन बंसल का कोई इसलिए अस्तित्व नहीं मानता कि पवन बंसल ने यहाँ पर पहले से जो प्रतिनिधित्व यहाँ का किया है उस समय सब लोग यहाँ के उनकी कार्यशैली से परिचित हैं कि किस प्रकार से वो काम करते थे। उसके मुकाबले में किरण खेर का पिछला 5 साल का जो कार्यकाल है बहुत ही एक अच्छा कार्यकाल रहा है और पवन बंसल को अगर पटकनी देने में कोई सक्षम कोई कैंडिडेट है तो किरण खेर है निश्चित। आगे 10 साल और देंगे। हमेशा हमने सुना है कि जब आप मेहनत करो तो उसका फल मिलता है और यही फल इनके बाकी तो आप माहौल देखिए क्वेश्चन करने की बात नहीं। आई डोंट थिंक कॉम्पिटिशन का कुछ है इसमें लेना देना। यहाँ पिछली बार 70,000 वोटों से किरण जी ने अपने ओपोनेंट को हराया था, मुझे लगता है इस बार ज़्यादा वोटों से हराएंगे बिकॉज बेस्ड ऑन हर वर्क दैट शी इज डन हियर। थैंक यू। किरण मैम, किरण मैम, किरण मैम, अरे वो इंटरव्यू दे रही है। हाँ जी बोलिए, कुछ बोल रहा है मैम? मैम एक मिनट, किरण जी ने कहा कि जो टिकट आपका काफी सहयोग रहा, क्या कहेंगे उसमें? अनुपम जी, टिकट मिलने में किरण जी ने कहा आपका काफी सहयोग रहा, टिकट मिलने में किरण जी ने कहा आपका काफी सहयोग रहा, क्या कहेंगे इसमें? नहीं ऐसा उन्होंने मुझसे तो नहीं कहा, आपसे कहा होगा, अखबारों में भी छपा है, उन्होंने बयान दिया है। हमें कटिंग मुझे लगता है 5 साल जो काम किया है उसका मुआवजा मिला है उनको, 5 साल उन्होंने काम किया। ओके सर, ओके।